मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से डॉक्टर ममता चंदोरिया जी को ब्रिटिश शासन व उसका प्रतिरोध, जननायकों का संघर्ष और उपलब्धियों पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। मैंने इस विषय को किसी परिधि में नहीं बांधा है क्योंकि स्टार्टिंग सम्मानित मंच प्रबुद्ध प्राध्यापक और इतिहास के जो वरिष्ठ पुरोधा रमन अली सर हैं, यहाँ व्यास जी हैं, सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन और विद्यार्थी, मेरा परिचय दिया गया और उसमें कहा गया कि मैंने कई किताबें लिखी हैं, तो किताबें कोई भी नहीं लिखी हैं। अभी एक किताब मैंने लिखना शुरू किया है, स्टेट इन इंडिया, जो मुझे लगता है एक आध साल में कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है, इतिहास, मुझे लगता है इतिहास पढ़ाने वालों के लिए इतिहास बहुत ही प्रिय विषय होता है और मेरी रुचि जो रही है कि विद्यार्थियों में इतिहास विषय को कैसे लोकप्रिय किया जाए, और न केवल आर्ट्स के विद्यार्थी बल्कि विज्ञान और कॉमर्स के। तो जो हमारे यहाँ एनुअल फंक्शंस होते हैं तो उसमें हम स्किट्स के माध्यम से, प्लेस के माध्यम से और कुछ इस तरह का करते हैं, जैसे एक नाम लेती हूँ कि शक्ति स्वरूपा नारी रूपा, तो आम्रपाली से लेकर के हमने सरोजनी नायडू तक की 21 महिलाओं के कैरेक्टर लिए, उनके डायलॉग्स डिलीवरी, और उसमें सारी फैकल्टी के बच्चों को लिया। तो इतिहास जो है वो केवल कला फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी में नहीं बल्कि साइंस और इनमें लोकप्रिय करना, ये मेरी ज़्यादा रुचि रही है। जहाँ तक यहाँ जो जो विद्वत चर्चा और बौद्धिक चर्चा हो रही है, इसका स्तर बहुत ही अच्छा है, आयोजक बधाई के पात्र हैं। और अभी हमारे श्रीवास्तव जी ने जो व्याख्यान दिया, पूरा एक धारा प्रवाह रूप में, या जैसे कहें कि हेरोडोटस का ये कहना था कि हिस्ट्री जो है वो स्टोरी के रूप में भी पढ़ानी चाहिए या बतानी चाहिए, तभी वो ज़्यादा उसका जो वो है असर होता है। तो इसी तरह से एक पूरा खाका उन्होंने खींचा जो जल विद्रोह था बुंदेलखंड में, और बुंदेली बुंदेलखंडी जो भाषा है इन पर इनका पूरा आधिपत्य है, और एक इंजीनियर होते हुए जिस तरह से इस विषय में इन्होंने अपना पूरा समर्पण दिया है, बहुत ही अलौकिक है। तो हम आते हैं ट्राइबल रिबेलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव मेरा है, एक इनको हम प्री आर्यन इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया मान सकते हैं। ऋग्वेद में आर्यों अनार्यों के बीच के संघर्ष का वर्णन है, और जो आर्य हैं वो अनार्यों को अनासा, अयजु, दुर्वाक, इस तरह के उनके लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ तक ट्राइबल्स का सवाल है, अगर हम महाभारत को उठाते हैं, एपिक्स को उठाते हैं, तो हमें कोरकू मुंडा इनका पर्याप्त उल्लेख मिलता है, और कौरव आर्मी के साथ इनका संयोजन हमको एपिक्स में दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रजाति की बात करते हैं तो निग्रिटोज जो हैं इनको नेटिव ऑफ इंडिया माना जाता है। इसके अलावा प्री डेविडियंस जो हैं, ये जो हैं मुख्यतः प्री डेविडियंस जो हैं वो बॉन्ड उनसे इनका संयोजन किया जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट मुंडा जनजाति है, और इसके विषय में तो राधा कुमार मुखर्जी ने जो अपना ग्रंथ लिखा है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट देयर कल्चर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें इन्होंने कहा है कि यदि हम भारत की प्राचीन संस्कृति को मुंडा संस्कृति कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस तरह से हमको इन जनजातियों की जो प्रजाति है उसके संबंध में काफ़ी हमको प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जिसको हम कहें कि ये हमारे यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं। इसके बाद इनका कंटिन्यूस एक माइग्रेशन होता है ट्राइब्स का, पहले कहीं और रहते हैं और फिर इसके बाद इनका माइग्रेशन होता रहता है। तो 800 BC से लेकर के 600 BC तक ये काम चलता है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, बहुत ही आदिवासी बहुल क्षेत्र है मध्य प्रदेश, और अगर हम ये कहें कि गौंड, बैगा, भील, भारिया, ये जनजातियाँ विशेष रूप से मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। और ये जो भारिया जो हैं मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, और मुख्यतः ये पातालकोट में रहता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख आया है, और आर्थिक राज्यों को उसने विजय किया था। परिचाय की कृत सर्वाटविक राजस्य, ये हमें प्रयाग प्रशस्ति में इस तरह का श्लोक मिलता है। और फ्लीट महोदय का कहना है कि गाजीपुर से लेकर के जबलपुर तक का इलाका
यह हम आर्थिक क्षेत्र मान सकते हैं और समुद्र गुप्त का इनके ऊपर नियंत्रण था। नेक्स्ट, अब ट्राइबल रिवोल्ट की अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड में, तो लगभग 70 ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं 1778 से 1948 के बीच ये हुए हैं। और इसके पीछे जो कॉजेज हैं उनको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उद्धृत करने की कोशिश की है। अगर हम इसे समझें तो भारत में जब अंग्रेज आए तो उसके पूर्व जो यहाँ की जनजातियाँ थी या जो समाज था वो पूरी तरह से सेल्फ सफिशियंट फॉरेस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत रह रहा था, स्वनिर्भर था, और उनकी जो अपनी मान्यताएं थीं जंगल पे उनका पूरा राज्य था, और ख़ास तौर पर जो कल्टीवेशन के उनके तरीके थे वो उनके वैसे ही थे, मतलब शिफ्टिंग कैपिटल या झूम खेती जिसको कहा जाता है ये इनमें प्रचलित था। और फॉरेस्ट पर, वहाँ की वनस्पति पर, वहाँ का टिम्बर पर, लकड़ी पर, उनके सारे ये सब कुछ उनके अधिकार में था। लेकिन अंग्रेजों के आने से स्थितियाँ बदलने लगी। नेक्स्ट, अंग्रेज जब भारत में आए तो पैसिफिक युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बाद दीवानी के लिए इन्होंने उसके लिए बोली लगवाई और जो हाईएस्ट बिडर्स थे उनको नए जमींदार बनाया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत के उस समय तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा ही था, तो फार फ्लंग एरियाज तक उनका पूरा नियंत्रण स्थापित हो और ये कार्य यहाँ के लोग ही कर सकते थे। इस तरह से हाईएस्ट बिडर्स के माध्यम से एक नवीन जमींदारी वर्ग का इन्होंने निर्माण किया और इस वर्ग ने जनजातियों के, आदिवासियों के जो उनके उनके प्रिविलेजेस थे उनको समाप्त करना शुरू किया। आगे जाकर अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया और धीरे धीरे नेवी के लिए, रेलवे के लिए जंगलों को और उनकी लकड़ी की आवश्यकता पड़ने लगी। नेक्स्ट, ये जो इसके पहले वाला लिंक प्लीज, मनी लैंडर्स और ये मिशनरीज का भी बहुत बड़ा रोल है। मिशनरीज, जैसे कि कहा जाता है कि जब कॉलोनियलिज्म की तरफ यूरोप बढ़ रहा था, उपनिवेशवाद का निर्माण हो, उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां जब यूरोप में बहुत अधिक बढ़ रही थी, तो उस समय 3 G's के लिए ये कॉलोनीज स्थापित कर रहे थे। उनमें एक था ग्लोरी, एक था गॉड और एक था गोल्ड। तो मिशनरीज इनके जाने के साथ ही साथ, जो कॉलोनाइजर थे इनके साथ साथ मिशनरीज भी पहुंच जाती थी और ये भी ट्राइबल एरियाज में इनके घुसपैठ आरंभ हुई और ख़ास तौर पर जो उनके धार्मिक जो रीति रिवाज थे उनमें हस्तक्षेप करना इन्होंने आरंभ किया। इसके अलावा जैसे कि कहा गया कि ये जो इनके डोमेस्टिक जो प्रिपरेशन थी, जैसे ताड़ी वगैरह ये बनाते थे, इन सब को बैंड किया जाने लगा। नेक्स्ट, अगर हम बॉन्ड की बात करें तो लार्जेस्ट ट्राइब मध्य प्रदेश में और इंडिया लेवल पर इसको कहा जा सकता है। थोड़ा सा इनका उल्लेख, ये गणेश रप वर्णनम, ये इनका एक शिलालेख है, स्लीमैन ने और कैप्टन वार्ड ने इसके बारे में कहा है कि अगर हम ये कहें कि जो गौंड हैं, गौंड राजा या गौंड राज जो है, ये लगभग 2nd शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के मध्य स्थापित हो गया था। और इसमें 1658 में जो देवगढ़ है, देवगढ़ के केशरी शाह, इनका उल्लेख करना चाहूँगी। औरंगजेब ने देवगढ़ के केशरी शाह, जो कि स्वतंत्र होना चाहता था, उसके विरुद्ध दिलेर खां को भेजा। केशरी शाह ने अधीनता स्वीकार की और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। वो अपने भाई और बहन ये सभी कन्वर्टेड हो गए थे और इन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1886 में महपति शाह गौंड, ये इनका उल्लेख आता है, और ये जो है ये भी देवगढ़ में, और ये भी इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहे थे, विद्रोह किया, औरंगजेब ने इसे दबाया, इस्लाम इन्होंने स्वीकार कर लिया। और इसके बाद औरंगजेब ने इन्हें टाइटल दी थी बख्त बुलंद, लेकिन कुछ समय बाद महपति शाह गौंड ने पुनः विद्रोह शुरू किया, जिसके फलस्वरूप पुनः इनके ऊपर औरंगजेब ने अपनी सेनाएँ भेजी और फिर इनका नाम रख दिया नबू बख्त, यानी कि लकलेस, और लेकिन बाद में ये विद्रोह दबा दिया गया। तो औरंगजेब के काल में गौंडों का, ये देवगढ़ के केशरी शाह और महपति शाह गौंड, इनका उल्लेख हमें इतिहास में थोड़ा कम मिलता है, जबकि इनका अपनी दृष्टि से योगदान रहा है। नेक्स्ट, अगरनामा में गौंडों का जो प्रदेश है ये गढ़ा, गढ़ कटंगा, गढ़ मंडला आदि नामों से जाना जाता है।
इसमें विशेष रूप से जो मदनपुर के तेलन शाह हैं, इनका मैं उल्लेख करना चाहूँगी। और ये कहा जाता है कि मदनपुर के राज्य की स्थापना बहुत पहले ही हो गई थी, और ये जो है मदनपुर जो राज्य है डेलन शाह, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं, ये कहा जाता था कि उनके सैनिक जो हैं वो अंग्रेजों का खजाना मदनपुर के पास से लेकर के निकलते थे, और डेलन शाह जो हैं वो उस खजाने को लूट लिया करते थे, अपनी प्रजा में बांट देते थे, और इस तरह से वो शासन करते थे। इसी तरह से जो बिलवार है वहाँ के नरवर सिंह, इनका भी उल्लेख आता है। और खास तौर पे खास बात यह है कि इन्होंने 1857 की क्रांति के समय चौरागढ़ पर आक्रमण किया था और वहाँ से यूनियन जैक को उतारा था। तो ये इन दोनों का, मदनपुर के डेलन शाह और दिलवार के नरवर सिंह गौड़, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इनके गौड़ों के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह आप परिचित होंगे, रानी दुर्गावती के दोनों वंशज थे, और 52वीं बटालियन के साथ जब इन्होंने विद्रोह की रूपरेखा बनाई तो अंग्रेजों को इसकी भनक लगी, और शंकर शाह रघुनाथ शाह इन दोनों को तोप के मुंह से बांध करके उड़ा दिया गया। परंतु जो फूल कुंवरी थी, जो शंकर शाह की विधवा थी, ये चुप नहीं बैठी और अपने पति की अस्थियों को किसी तरह से कलेक्ट करके ये शाहपुरा पहुंची, और वहाँ पर वहाँ के ठाकुरों के साथ, सुहागपुर के ठाकुरों के साथ और नारायणगंज के ठाकुरों के साथ मिलकर के इन्होंने विद्रोह की पूरी भूमिका बनाई। लेकिन डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन जो था, इन्होंने इन्हें परास्त कर दिया। इसी में खुमान सिंह गौड़ का उल्लेख आता है। खुमान सिंह गौड़ को वृक्ष से लटकाकर फांसी दी गई थी, जो इनके एक महत्वपूर्ण साथी थे। इसी तरह से रघुनाथ शाह की जो विधवा थी मान कुंवरी, ये भी अपने पुत्र के साथ और अपने भाई अमान सिंह के साथ इन्होंने विद्रोह किया। दमोह के पटियागढ़ के थाने को इन्होंने घेरा और उस पर अधिकार किया, और बाद में घुघरी के निकट युद्ध हुआ। कैप्टन जो वाडिंगटन था उसने इन्हें परास्त किया, और ये कहा जाता है कि घुघरी में जितने भी गौंड पकड़े गए थे, क्योंकि इनकी सेना में गौंड ही थे, उनको पकड़ा गया और उन सभी गौंडों के हाथ काट दिए गए थे, और तब से घुघरी का नाम हथकटा गांव हो गया था। नेक्स्ट, अगर हम कहें कि भारत के ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स भील हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिनू इस शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है बो मैन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनके मुख्यतः जो बॉट के जो इनके टैक्टिक्स थे, उन सब में तीर और धनुष, इन सब का प्रयोग ही महत्वपूर्ण था। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगी आगर भील का। आगर भील जो है, इन्होंने मालवा में, आगर मालवा जिसे कहा जाता है, जो आगर है ये बसाया था, और 10वीं शताब्दी में इसका उल्लेख मिलता है। महाराणा प्रताप के साथ भी ये भील लगातार इनके सहयोगी रहे, और खत्ती घाटी के युद्ध में परास्त होने के बाद जब राणा प्रताप घूम रहे थे तो भीलों ने उनको महत्वपूर्ण सहायता दी थी और उनको भोजन भी उपलब्ध कराया था। भीलों का जो इंस्ट्रक्शन है अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया, और बाद में जो आगर की एक छावनी थी, आगर में ब्रिटिश छावनी थी, वहाँ के भी कुछ उल्लेख मिलते हैं। ये कहा जाता है कि 31 मई 1857 को क्रांति होना निश्चित किया गया था, लेकिन क्रांति अपने समय के पूर्व ही 10 मई मेरठ क्रांति के साथ इसका आगाज हो गया। तब शिवपुरी के कुछ सैनिक जो हैं वो उस बटालियन के यहाँ पर आगर आए थे, और उन्होंने यहाँ के गांव में क्रांतिकारी रोटियाँ बंटवाई थीं और विद्रोह की भूमिका तैयार की थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने वहाँ पर आगर में अपनी फौज भेजी, फौज 3 घुड़सवारों को भेजा मुख्यतः वहाँ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए, और भीलों ने उनको मार डाला था। इसी बीच एक डॉक्टर का उल्लेख मिलता है, असिस्टेंट सर्जन मिस्टर जेम्स अपनी पत्नी सहित वहाँ थे, और चूंकि वो बच गए थे तो जो भील थे आगर गांव के, वो सब निकल के आए बाहर और भूरियो आयो इस तरह से वो हल्ला करने लगे। लोग उनको देखने के लिए आए और बहुत भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। जेम्स डर गए और उन्होंने घबराहट में स्वयं की पिस्टल से ही अपने और अपनी पत्नी हैं उसकी हत्या कर दी। तो ग्वालियर गजट में उल्लेख मिलता है कि इन्होंने आत्महत्या की,
अंग्रेजों ने इसको ये प्रदर्शित करने की कोशिश की कि ये आत्महत्या नहीं थी बल्कि इनका मर्डर किया गया था। तो आगर जो गांव है वहाँ से भीलों के इस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन का उल्लेख हमको मिलता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर मुख्यतः जो काशीबाई थी, जो रानी झांसी की सहयोगी रही हैं, उन्होंने अपने अंतिम दिन यहीं पर आगर गांव में ही बिताए थे और वो इसका उल्लेख करती थी। नेक्स्ट, मुंडा अपराइजिंग को अगर हम देखते हैं तो ये मुंडा विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने देखा कि प्रोटो ऑस्ट्रलाइट जो प्रजाति है उससे इनका संबंध है और भारतीय संस्कृति को मुंडा संस्कृति देने की वकालत राधा कुमुद मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में की। तो हम अब ये देखेंगे कि जो इनका क्या स्वरूप था। सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा पीछे आना है शायद। नेक्स्ट, इनका जो स्वरूप था वो इस तरह से होता था कि जब भील जो भी विद्रोह होते थे, जो जनजाति विद्रोह या जो जनजातियों के जो विद्रोह हैं, उनमें मुख्यतः ये अपने शिकार करना इनका प्रिय वो था, लाइवलीहुड का साधन था। तो ये जब विद्रोहों की स्थिति आती थी तो ये उनको शिकार ही मानते थे। मुंडा भील ने इनका ये प्रसिद्ध वक्तव्य है कि हमने सरकार से कहा कि वो हमने अपना दुखड़ा रोया सरकार के पास, लेकिन सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम मिशन्स के पास भी गए लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और ख़ास तौर पे इनकी जो खूंट कट्टी जो भू व्यवस्था थी, ये व्यवस्था समाप्त हुई। और ये इनका नारा था कि ओ गॉड ओ फादर किल द यूरोपियंस एंड किल द अदर पर्सन या दी खूस। तो इस तरह से ये अंग्रेजों को भी अपना शत्रु समझते थे। और इसके अलावा अंग्रेजों ने सेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत इनके जंगलों के आसपास जो भूमि बांट दी थी या रहवासी या सेटलमेंट जो कर दिए थे, उनको भी ये विदेशी मानते थे, विरोधी मानते थे और उनका अंत चाहते थे। बिरसा मुंडा के लिए कहा जाता है कि इनके पास चमत्कारी शक्तियाँ थीं और यदि कोई बुलेट या कोई इनके ऊपर गोली आए तो वो पानी में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस तरह से जो आंदोलनकारी हैं, ये आदिम जाति या जनजाति आंदोलन जो हैं, ये अपने नेताओं को देवता तुल्य मानते थे। और इस तरह से उनको उनका कहना था कि ये चमत्कारी शक्तियाँ उनके पास हैं। नेक्स्ट, अगर हम उनके कैरेक्टर्स देखें तो विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग तरीकों से इनकी व्याख्या की है। जैसे कि अगर हम इनका नेचर देखते हैं तो ये सभ्यता के खिलाफ बिगेन एज प्रिमिटिव सिविलिज रेजिस्टिंग सिविलाइजेशन, ऐसे इतिहासकार जो अंग्रेजों से सहानुभूति रखते हैं। और उनका कहना है कि ये उनके सभ्यता के खिलाफ असभ्यता की लड़ाई थी। और दूसरा, इन इतिहासकारों का मानना है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को समाप्त करने के लिए किए गए आंदोलन थे, जबकि वास्तव में हम ये देखें कि ये जो कंटिन्यूएशन में जो इनके जो ऑपरेशंस ये जो चले हैं, जो आदिवासी विद्रोह हुए हैं, इनको हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और ये एक तरह से लगातार चलने वाली श्रृंखला, क्योंकि भारत को आज़ादी केवल नेशनलिस्टिक मूवमेंट या जो राष्ट्रवादी आंदोलन गांधी के नेतृत्व में हुआ है उससे नहीं मिली है, बल्कि उसमें सतत रूप से जो ये आंदोलन चले हैं, जिनमें आदिवासियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनका भी योगदान। तो अगर हम मतलब इस तरह से इन आंदोलनों को महत्वपूर्ण रूप से हमें इसमें शामिल करना चाहिए। जहाँ तक लीडरशिप का सवाल है तो एक महत्वपूर्ण बात इनके बीच जो हमको समझ में आती है वो ये है कि इनके जो नेता थे वो इनके बीच में से ही उभरे और उन्हीं के बीच में समाप्त हुए। जबकि अगर हम राष्ट्रवादी आंदोलन देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो बाहर के जो संभ्रांत वर्ग था, एलीट क्लास, उसने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि बाहर के लोगों के नेतृत्व की गुंजाइश हमको आदिवासी जो आंदोलन है उसमें बहुत कम दिखाई देती है, जबकि जो नेशनल मूवमेंट है इसमें हम इस तरह की व्यवस्था नहीं देखते। मतलब ऐसे तबके के लोग जो उच्च वर्ग से संबंधित हैं वो नेतृत्व की बागडोर संभालते हैं।
इसके अलावा धर्म की शुद्धता पर इनका बहुत अधिक विश्वास था। भूमि ईश्वर की है और भूमि को प्राप्त करना ट्राइबल मूवमेंट जो है उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता था। नेक्स्ट कुछ और फीचर्स अगर हम देखें तो ये कि सामाजिक जागृति इन आंदोलनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात कि ये लोग जब भी विद्रोह करते थे, आंदोलन करते थे, तो खुलेआम करते थे और अंग्रेजों ने उन्हें अपराधी घोषित किया। गाँव पर आक्रमण करने के पूर्व बॉडी इनकी थी और इसके अलावा एक अपने आंदोलन को वैध बताने के लिए वो ये कहते थे कि ठाकुर या लोकल गॉड उन्होंने उनको फाइट करने के लिए वाइट सोल्जर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए प्रेरणा दी है। इसके अलावा एक और विशेषता इनकी है कि ये जो ढींग खर्चा है ये नेवी फॉर इंस्ट्रक्शन ये भी वसूल करते थे और विशेष रूप से ये व्यवस्था बंगाल में बहुत अधिक थी और अपनी जो पब्लिक लेजिटिमेसी इनके एक और विशेषता है कि गोरी फौज के विरुद्ध ये अपने आंदोलन को बहुत ही लेजिटिमेट बताने का प्रयास करते थे। तो होता ये है कि जब शोषित वर्ग किसी प्रभावशाली वर्ग के खिलाफ विद्रोह करता है तो ये विद्रोह उनके धर्म, उनकी संस्कृति और उनके भाषा के विरुद्ध भी होता है। तो ट्राइबल जो प्रोटेस्ट मूवमेंट था उसका एक ये भी महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट धीरे धीरे ये जैसे कि अभी पूर्व में उल्लेख किया गया था कि ये रिबेलियंस जो हैं ये इनका एक कैरेक्टर जो था कि ये जहाँ पर इनको विद्रोह करना है वो इनका शिकार गाह था और उसमें इनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी उन्हें जलाना, उन्हें तोड़ना, उनको डिस्ट्रक्ट करना, ये सारी चीज़ें इनके विद्रोह की विशेषताएँ थी। और इसके अलावा जो प्रोटेस्ट ये करते थे एक सामुदायिक संगठन की भावना उस प्रोटेस्ट में होती थी, मतलब उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसमें सहयोग करना अनिवार्य होता था और यदि कोई विरोध करता था तो वो उसको विरोध अंग्रेजों का विरोध करने से कोई अगर हिचक रहा है तो उसको वो पूरा उस पर दबाव डालते थे और यदि कोई व्यक्ति विश्वासघात करता था तो उस पर ये पूरी तरह से नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, कड़ा पहरा लगाते थे। तो ये इनके सामुदायिक संगठन जो विद्रोह का एक स्वरूप है, सामुदायिक संगठन ये इनके विद्रोह की विशेषताएँ थी। इसके अलावा रीजन या क्षेत्रीय सोच ये भी इनके आंदोलन की विशेषता थी और ख़ासतौर पर जैसे संथालों को अगर हम लेते हैं तो पितृदेश की प्राप्ति के लिए बैटल फॉर देयर फादरलैंड ये मतलब रीजन विशेष क्षेत्र विशेष का इसमें महत्वपूर्ण विशेषता है इनके आंदोलनों की। इसके अलावा जो अपने देयर ओन पास्ट इसके प्रति इनको अत्यधिक मोह था और वो उन दिनों की याद करते थे जब वो बहुत ही सुख चैन से रहते थे, तो अपने पूर्व के दिनों की प्राप्ति पुनर्वापसी ये इनके आंदोलनों का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। कहना ना होगा कि परंपराओं के प्रति इनके मोह ने इनके आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम आते हैं तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों में एक नई विचारधारा आई, वह है सबाल्टर्न स्टडीज की। सबाल्टर्न स्टडीज के अंतर्गत रंजीत गुहा इन्होंने भारत में बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन किया है और उनका कहना है कि भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए जो महत्वपूर्ण नेतृत्व था उसके लिए अभी तक इंडियन बुर्जुआज एलीट क्लास जो अंग्रेजों से प्रभावित थी या इंडिजीनस एलीट क्लास जो भारतीय संभ्रांत वर्ग से उत्पन्न होकर आई थी उन्हें महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन भारत के निर्माण, राष्ट्रवादी आंदोलन इन सब में एक समानांतर विचारधारा भी चल रही थी। ऐसा जनसाधारण जिसमें मजदूर थे, किसान थे, आदिवासी थे, इनका भी महत्वपूर्ण रोल था और सबाल्टर्न डोमिनेंस जो है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि जीतू संथाल जो मूवमेंट था मालदा में पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ था, जमींदारी के विरुद्ध में हुआ था और तनिका सरकार लिखती हैं कि जीतू संथाल के आंदोलन का श्रेय जीतू संथाल को ना मिलके वहाँ के स्वराजी जो आंदोलनकारी थे उनको मिला। तो ये सबाल्टर्न स्टडीज जो है इस दिशा में महत्वपूर्ण इनका जो है लेखन चल रहा है। इसी तरह से 1857 के जो रिबेल्स थे गौतम भद्र ने ये एक अध्ययन किया है जिसमें उन्होंने शाहमल, देवी सिंह गोनू और मौलवी अहमदुल्ला शाह ये चार प्रमुख विद्रोहियों
के कॉन्ट्रीब्यूशन को उकेलने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम ये कहना चाहेंगे कि जनजातियों का जो योगदान भारत के निर्माण में, इनका भी योगदान है सतत रूप से, अनवरत रूप से, जो एक सतत श्रृंखला चली अंग्रेजों के विरोध में, उसका भी, उससे भी भारतीय स्वतंत्रता में उसको श्रेय दिया जाना चाहिए। और आवश्यकता इस बात की है कि ये सारे प्रमाण जो अंधेरी या सीलन भरे कमरों में जो अभी तक हैं उनको बाहर निकालें और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को भारतीय इतिहास की एक नवी धारा में, कड़ी में पिरोएं, तभी इनके प्रति सच्चा सम्मान होगा। थैंक यू।